प्रयागराज से खबर है, सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला आज होना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3:45 पर ये फैसला सुनाया जाएगा। रसूख के इस्तेमाल पर वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपनाने के पक्ष में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया था आजम के खिलाफ। लखनऊ के पत्रकार अलमान जमीर नकवी ने 2019 अगस्त में इस पूरे मामले को दर्ज कराया था और अब आईपीसी की गंभीर धाराओं के साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ था। इस मामले की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। और आपको ये बताएं कि पिछले साल 4 दिसंबर को ही कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा था।